वीडियो सारी मेरी फ्रेंड्स के लिए है, सारी लेडीज के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज मी अस्मिता गामी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पास में बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो आप प्लीज ये वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिए। और ये वीडियो मैंने खास लेडीज के लिए बनाया है, लेडीज लड़कियाँ टीनेजर्स जो भी कहें, हम सब लड़कियों को कुछ एज के बाद 11 साल की उम्र के बाद पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, और वो सभी को पता है, सभी जेंट्स वुमेन लेडीज सब औरतों को आदमियों को सभी को ये पता है, क्योंकि ये कुदरती दिन है। और इसकी वजह से लेडीज को वाइट डिस्चार्ज को भी फेस करना पड़ता है कभी कभार। ऐसे भी नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज होता है हार्मोनल चेंजेस के वजह से, और कभी कभार कुछ यूटीआई यूरिनरी इन्फेक्शन या कोई भी रीजन हो सकता है, आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। हिंदी में कहा जाए तो सफेद पानी कहा जाता है उसे। तो बहुत सारे लोग इस चीज की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, खास करके मेरे जैसे कुछ लोग जो पानी कम पीते हैं उनको भी ये सब प्रॉब्लम्स होती है। नॉर्मली हार्मोनल चेंजेस की वजह से वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम ग्रो हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसी चीज के रिलेटेड आज का टॉपिक रहने वाला है। तो किसी को ये टॉपिक पर नहीं कुछ सुनना है तो आप इसे प्लीज स्किप कर सकते हैं, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो जिन जिन को भी ये प्रॉब्लम है या फिर वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, सफेद पानी गिरता है आप लोगों का भी, तो ये वीडियो खास आप सभी के लिए है, उन सारी मेरी फ्रेंड्स के लिए है, सारी लेडीज के लिए है, सारी आंटीज के लिए है जिनको भी इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। नॉर्मली पीरियड्स स्टार्ट होने के कुछ दिनों पहले भी हमें वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। उस वक्त होता ये है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, क्योंकि हमारी जो पैंटीज होती है, अंडरवेयर होती है, वो बहुत जल्दी गीली हो जाती है, हम लोगों को अच्छा बिल्कुल फील नहीं होता है, बहुत इरिटेशन वाली फीलिंग होती है। तो उस चीज के लिए मैं आप सभी के साथ एक सोल्यूशन शेयर करने वाली हूँ। पहले तो आप लोगों को अपनी हेल्दी डाइट, अपनी अच्छा खाना खाना है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट नॉर्मली जब हमारे पीरियड्स के स्टार्टिंग में वाइट डिस्चार्ज होता है या फिर पीरियड आने वाला होता है, तब हम एक चीज यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी अंडरवेयर गीली भी नहीं होगी और उसपे वो जो दाग रह जाते हैं वो दाग भी नहीं रहेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम तो वो हो जाती है जब हम हमारी अंडरवेयर वॉश करते हैं तो उसके ऊपर वो दाग पड़ जाते हैं, वहां पे वो नीचे के पार्ट में दाग पड़ जाते हैं अंडरवेयर में, और कुछ ही वक्त में अंडरवेयर खराब हो जाती है। तो उसके लिए आप लोगों को जरूरत है इस पैंटी लाइनर की। जी हाँ, ये एक पैंटी लाइनर है, मैं आप लोगों को इसे ओपन करके दिखाती हूँ। आप लोगों को पैड्स के बारे में तो पता ही होगा, जैसे हमारा पैड होता है, पैड का छोटा भाई छोटी बहन जो कहो वो, ये वैसा ही होता है, सेम पैड के जैसा होता है। पैड की पैकेजिंग भी ऐसी ही होती है, राइट, सैनिटरी नैपकिन की पैकेजिंग ऐसी ही होती है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, आप देख सकते हो, ये मेरे हथेली के जितना है, मेरे पाम्स में इजीली फिट हो जाए उतना ही है। तो ये हमें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता है, जब भी हम चलते हैं हमें ऐसा फील नहीं होगा कि हमने कुछ रखा है, हमने कुछ इस्तेमाल किया है। इसे आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और बाद में आप इसे इस तरीके से स्टिक कर देंगे। तो आपको जब भी वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होगा तो ये जो लाइनर है वो सारा वाइट डिस्चार्ज सोक कर लेगा, और जिसको भी पीरियड्स का डर होता है, आपको कहीं बाहर जाना है, आप लोगों को डाउट है कि शायद आज मेरा पीरियड्स आ जाएगा, मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ पे चेंज करूंगी, तो आप इसे लगा करके जा सकते हैं बाहर कहीं भी, और बिना डरे, बिना कुछ डरे या हिचकिचाए, आप एक अपना सैनिटरी नैपकिन या फिर मेंस्ट्रुअल कप, आप जो कुछ भी यूज करते हैं, आप उसे अपने बैग में डाल करके इसे लगा करके जा सकते हैं। अगर आपको पीरियड्स आ जाए तो आपको वॉशरूम कहीं पे भी मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर के चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ना ही उसमें आपकी अंडरवेयर गंदी होगी, खराब भी नहीं होगी बिल्कुल भी, और सेफ्टी के साथ आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप लोगों को उस चीज का डर भी नहीं रहेगा कि भाई मैं अगर बाहर जाके मेरे पैंट में दाग लग गया, मेरे ड्रेस में दाग लग गया,
या फिर ब्लड बाहर आ गया मैं क्या करूंगी, आपको कोई डरने की गरज नहीं है। ये मैं बहुत वक्त से यूज कर रही हूँ, मतलब पीरियड्स के लिए तो मेंस्ट्रुअल कप का ऑप्शन है, और लेकिन इस चीज के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहे तो कपड़े का भी कुछ सैनिटरी नैपकिन बना सकते हो, छोटा सा पतला सा, बट आप ऐसा एक खरीद सकते हैं। ये मैंने विस्पर का लिया था, मेरे पास जो ये पैंटी लाइनर है ये विस्पर का है, और मैंने उसका बॉक्स बहुत पहले ही फेंक दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इस चीज के बारे में वीडियो भी बनाऊंगी, और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, और मुझे पहले कभी आइडिया भी नहीं आया था कि मैं कभी यूट्यूब पे आकर वीडियोज बनाऊंगी, यूट्यूब के लिए वीडियोज बनाऊंगी। बट अब जब मैं बना रही हूँ तो मैंने सोचा इस चीज के बारे में भी मेरे को जो एक्सपीरियंस मैंने किया है मैं उसे भी शेयर कर दूँ आप सभी के साथ, और किसी को मेरे वजह से हेल्प हो जाएगी तो मैं उसे करना जरूर चाहूंगी। लेकिन मैं आप सभी के साथ एक और एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे पीरियड्स वाले फर्स्ट जो मेरा वीडियो था उसको बहुत ज्यादा पसंद किया है, उस चीज के लिए बहुत 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 ज्यादा थैंक यू आप सभी को। और मैं और एक बात कहना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी आप सभी के साथ कि मेरे मेंस्ट्रुअल कप वाले वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, और बहुत सारे लोगों का मेरा मुझे पर्सनल मैसेजेस आए हैं कि मैं भी यूज करती हूँ, मुझे भी करना है, आप प्लीज हेल्प कर दीजिए। और एक या दो जन नहीं, बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आया है, कुछ लोगों ने वाया मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढ करके मुझे कॉल किया है कि प्लीज मुझे हेल्प करो, कैसे यूज करूं, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन आप लोगों ने अगर मेरी वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप उसे ऊपर चेक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वो वाली वीडियो भी अच्छी लगती है तो उसे प्लीज लाइक करना ना भूले। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि लाइक ना करें, कुछ ना करें, लेकिन प्लीज इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ, तो उनको भी एक हेल्प मिल जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ एक आइडिया दिया है, आप भी उन सभी को शेयर कर करके मुझे हेल्प कर सकते हैं उन सभी तक मेरा ये मैसेज पहुंचाने के लिए। आप लोग प्लीज इसे खरीदिएगा। अगर आप लोगों को वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है यार, प्लीज आप लोग एक बार ट्रस्ट करिए, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप लोगों को अगर पैंटीज के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, पैंटीज खराब हो रही है, तो आप लोग भी इस तरीके का एक पैंटी लाइनर खरीद सकते हैं। ये आपको कोई सी भी ऑनलाइन साइट पर मिल जाएगी, आप लोगों को नाइका पे मिल जाएगी, तो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कौन कौन से साइट से आप लोग खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों को पैंटी लाइनर खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करिएगा आप लोग, और वहां से जाकर आप लोग खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो यूजफुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, आइडिया मिली है, प्लीज इसे लाइक करना ना भूले, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले अपनी फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी, हेल्प करूंगी आप लोगों को मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर, या फिर ऐसे ही इंटरैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।